नमस्कार, स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं फहीम खान। सिवान की जो स्थिति है, लॉकडाउन की धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं, बिना वजह सड़क पे लोग निकल रहे हैं। हमारे एफएस न्यूज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन तैनात है, मार्केट में लोगों को इन नहीं होने दे रहे हैं। वहीं सिवान सीओ साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है। अब फाइन कितने का किया जा रहा है ये तो हम अभी सीओ साहब से बात करेंगे तो पता चलेगा। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। बोलिए सर, यहाँ पे केवल रोका जा रहा है या फिर फाइन वगैरह भी? फाइन तो अभी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लॉकडाउन को कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। जी जी, तो इसके पहले तो यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन इस टाइप का काम नहीं कर रही थी, अचानक इस टाइप का नया आदेश प्राप्त हुआ है। जी जी, कि तो हर पूर्णतः लॉकडाउन करना है, यानी हर मोड़ पे ये चेकिंग, हर मोड़ पे चेकिंग चल रही है और साथ ही भीड़ भाड़ को शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इससे पहले तो बहुत ज्यादा भीड़ रहा करता था। नहीं, अब पूर्णतः कड़ाई से इसका पालन किया जा रहा है, पूरा किया जाएगा, यानी हर मोड़ पे चेकिंग चल रहा है, चेकिंग चल रही है, फाइन भी काटा जा रहा है। और फाइन भी अगर ज्यादा परेशानी होने पर फाइन काटा जाए। सर, आप अपना परिचय जरा दे दें। मैं सीओ ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, सिवान सदर। देखिए, ये थे ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि सिवान के सीओ हैं और यहाँ मौजूद हैं। और इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कोई भी फाइन नहीं किया जा रहा है, जो भी फाइन हो रहा है आगे मुफसिल थाना के पास अंबेडकर पार्क में फाइन का जो भी सिस्टम वो किया जा रहा है, और 1000 रुपये, कम से कम 1000 रुपये का फाइन किया जा रहा है। बिना वजह लोग मार्केट में निकले हैं, पुलिस प्रशासन तैनात है, बिना वजह जो मार्केट में निकल रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके ऊपर सख्ती से पुलिस प्रशासन अपना डंडा भी गिरा रही है। मैं यहाँ तक बताऊँ कि पुलिस प्रशासन की बातों से लोग नहीं मान रहे तो डंडा के वजह से वो लोग अपने रास्ते को चेंज कर दे रहे हैं। सीओ साहब मौजूद हैं, यहाँ के पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं और सख्ती से यहाँ कार्य कर रहे हैं। सिवान की अगर बात की जाए, पूरा बिहार लॉकडाउन चल रहा है और सिवान में बिना वजह लोग मार्केट में निकल रहे थे, बिना वजह दुकानें खुल रही थी। इन सब चीज़ों पर आला अधिकारियों द्वारा आदेश आया है, तो इस पर सख्ती से काम की जा रही है। फोर व्हीलर जो है उसे भी मार्केट में इन नहीं किया दिया जा रहा है। फोर व्हीलर जो है उसे भी बाईपास के रास्ते मार्केट में इन नहीं किया जा रहा है, मार्केट के बाहर बाईपास से भेजा जा रहा है। मैं अपने एफएस न्यूज़ के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि गाड़ी रोक रोक के यहाँ पे खड़े हैं। आखिर क्या है समस्या, हम इनसे जानना चाहेंगे कि मार्केट में इन नहीं किया दिया जा रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम सिवान नौतन से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? हम आए थे सब्जी लेने के लिए, मार्केट दुकान है हमारा। अच्छा, तो यहाँ पे किस लिए रोका गया है? यहाँ पे अब कोरोना के वजह से बीमारी बढ़ रहा है, इसके वजह से रोका गया है। क्या नौतन में आपका सब्जी नहीं मिलता है? नहीं, यहाँ आता है, यहाँ से स्टॉक में जाकर वहाँ बिकता है। हम लोग मार्केट करने के लिए आए हैं, दुकान है हमारा। फाइन वगैरह भी कट रहा है पुलिस प्रशासन के तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहाँ हैं चाचा? हम तो यहीं के आड़ती हैं, यहाँ सब्जी मंडी का होलसेलर व्यापारी हैं। होलसेलर है, आपको डर नहीं लग रहा है? मास्क वगैरह नहीं लगाए हैं? आप कैमरा को देख करके मास्क लगाइएगा, आपको डर नहीं? आपका परिवार है या नहीं है? है ना, परिवार है। तो फिर आप पूरा मंडी चला रहे हैं, कई तरह के लोग आते होंगे आपको? कितना सुबह से बांधते बांधते थोड़ा सा आदमी उग जाता नहीं है? अच्छा, अकेले में आके यानी खोल लेते हैं। देखिए, जो भी पुलिस प्रशासन है सख्ती से काम कर रही है। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इधर का दृश्य दिखाए कि जो फोर व्हीलर है उसे भी मार्केट में इन नहीं हुआ दिया जा रहा है, मार्केट में इन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आला अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किया गया है कि सख्ती दिखा करके जो भी गाड़ियाँ हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें मार्केट में इन नहीं होने देना है। हमारे एफएस न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने सहयोगी कैमरामैन सुभाष के साथ फहीम की रिपोर्ट, सिवान।